Hey what's up guys, welcome back to TechBit। और आज किस वाली वीडियो में हम इसी Boat Rocker 205 Pro का कंपैरिजन इसी Boat Rocker 245 V2 के साथ देखने वाले हैं। ये दोनों ईयरफोन्स ऑलमोस्ट सेम प्राइसिंग पर आते हैं, तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, तो इस वीडियो में यहाँ पर हमारे पास जो ग्रीन कलर की ईयरफोन्स हैं, ये हमारे Boat Rocker 245 V2 हैं, और जो ऑरेंज एंड ब्लैक कलर में दिए गए हैं, ये हमारे पास Boat Rocker 205 Pro हैं। तो पूरी वीडियो में इन दोनों को आप देख करके समझ पाएंगे कि कौन से वाले ईयरफोन्स कौन से हैं। अब यहाँ पर कंपैरिजन को स्टार्ट कर लेते हैं हम इनकी बिल्ट और डिजाइन के साथ। सबसे पहले बात करें अगर हम इनकी डिजाइन की, तो दोनों ईयरफोन्स ऑलमोस्ट सेम से ही नजर आते हैं, काफी सिंपल स्लीक और लाइट वेटेड से देखने मिल जाते हैं। हालांकि 245 V2 कुछ ज्यादा ही सिंपल और स्लीक दिए गए एज कम्पेयर टू 205 Pro, लेकिन हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट डिजाइन वाइज दोनों ईयरफोन सेम हैं। इन ईयरफोन्स की अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें, तो दोनों ईयरफोन्स पूरे के पूरे प्लास्टिक के बनाए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ ईयर ड्रम्स में थोड़ा सा मेटल फिनिश यूज किया गया है दोनों ईयरफोन्स में। तो ओवरऑल बिल्ड और डिजाइन वाइज दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन Boat Rocker 205 Pro थोड़े से ज्यादा बेटर है, क्योंकि इनके वायर्स थोड़े से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के, थोड़े से थिक दिए गए हैं। इन ईयरफोन्स की अगर हम फिटिंग और कम्फर्ट की बात करें, तो दोनों ईयरफोन्स में आपको फिटिंग और कम्फर्ट अच्छा देखने मिल जाता है। 1000 रुपए के हिसाब से अच्छा दिया गया है, लॉन्ग टाइम तक यूज करने में दोनों में ही आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा। ओके, तो जहां पर इन ईयरफोन्स में डिफरेंस है, तो वो है साउंड क्वालिटी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम Boat Rocker 245 V2 की। ओके, तो इन वाली ईयरफोन्स में साउंड क्वालिटी बेस के मामले में काफी अच्छी दी गई है। बेस एकदम हैवी दिया गया है, एकदम पंपिंग थम्पिंग वाला दिया गया है। अगर आप एकदम हैवी बेस वाले ईयरफोन्स पसंद करते हैं, तो ये वाले ईयरफोन्स आपको ज्यादा पसंद आएंगे साउंड क्वालिटी के मामले में, क्योंकि जब आप एकदम हैवी बेस वाले सॉन्ग सुनेंगे, तो बेस इतना ज्यादा थम्पिंग पंपिंग फील होता है कि आपके कानों में वाइब्रेशन तक समझ में आता है। लेकिन एकदम फुल वॉल्यूम्स पे अगर आप डिटेलिंग्स की तरफ जाएंगे, तो आपको डिटेल्स उतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी, ट्रबल्स तो एकदम कम्प्लीटली मिसिंग आउट हो जाता है। झंकार वंकार की और जो गिटार की आवाज रहती है, वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है बेस के सामने, और इवन जो वोकल्स की रिचनेस है, वो भी खत्म हो जाती है। हालांकि ये वाली ईयरफोन सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए में आते हैं, तो साउंड क्वालिटी 800 रुपए में आपको उतनी डिटेलिंग्स वाली नहीं मिलेगी, लेकिन मेरा बताना तो ये फर्ज बनता है। वहीं अगर हम Boat Rocker 205 Pro की बात करें, तो यहाँ पर बेस उतना ज्यादा हैवी नहीं दिया गया है जितना आपको 245 V2 में देखने मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको क्लैरिटी ज्यादा अच्छी समझ में आती है। जितना ज्यादा बेस दिया गया है, उतना ही आपको ट्रबल समझ में आएगा, हल्का सा कम रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्रबल्स 245 V2 से बेटर ही दिया गया है। इन वाली ईयरफोन्स में भी मुझे वोकल्स उतने ज्यादा रिच समझ में नहीं आए, ऐसा लगता है जैसे और ज्यादा खेल सकते थे वोकल्स, लेकिन उतने नहीं दिए गए हैं। बेसिकली ये वाले जो साउंड क्वालिटी है, इसमें आप म्यूजिक उतने अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़ा सा ट्यून किया गया है आपके गेमिंग के लिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में कौन विनर है कहना तो काफी टफ रहेगा, लेकिन अलग अलग कैटेगरी वाइज हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आपको बेस पसंद है और म्यूजिक वगैरह सुनना पसंद है, तो आप Boat Rocker 245 V2 की साउंड क्वालिटी प्रेफर करना। और अगर आपको गेमिंग के लिए चाहिए, या फिर मूवीज वगैरह देखने के लिए चाहिए, या फिर आपको क्लासेस वगैरह लेनी है ऑनलाइन, तो आप Boat Rocker 205 Pro के साथ जा सकते हैं। हालांकि हम इस बारे में वर्डिक्ट में और भी ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, और साथ में वहां पर एक बेटर ऑप्शन की बात भी करेंगे। ओके, तो ईयरफोन्स की अगर हम बटन्स की बात करें, तो Boat Rocker 245 V2 में आपको नॉर्मल बटन्स देखने मिल जाते हैं, वही वॉल्यूम अप डाउन प्ले पॉज के लिए, जिससे पावर ऑन ऑफ ऑफ हो जाता है, कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं दिया गया, इसे हम साइड में कर लेते हैं। लेकिन हमारे जो Boat Rocker 205 Pro है, इसमें आपको एक एक्स्ट्रा बटन भी देखने मिल जाता है, वॉल्यूम अप एंड डाउन और प्ले पॉज, जिसे हम पावर ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आप ऊपर बटन देख रहे हैं, अलग से दिया गया, जिसमें कोई भी अलग से एक कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है, इससे आप अपना मोड स्विच कर सकते हैं। इसमें आपको बीस्ट मोड दिया गया है गेमिंग के लिए, जैसे ही आप सिंगल प्रेस करेंगे बीस्ट मोड लग जाता है, और उसमें आपको लेटेंसी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी अगर आप पबजी जैसे गेम खेलते हैं। सो हाँ, यहाँ पर आपको गेमिंग मोड देखने मिल जाता है। इसीलिए अब हम सीधा बात कर लेते हैं इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। ओके, तो अब क्योंकि Boat Rocker 205 Pro में आपको गेमिंग मोड देखने मिल जाता है, तो इसमें लेटेंसी वाले तो कोई इशू नहीं है। इवन इसकी जो साउंड क्वालिटी है, वो भी थोड़ी सी गेमिंग के हिसाब से ट्यून की गई है। सो ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस इन वाली ईयरफोन्स में काफी अच्छा देखने मिल जाता है। वहीं अगर हम Boat Rocker 245 V2 की बात करें, तो इसमें भी गेमिंग परफॉर्मेंस मुझे उतनी कुछ खराब नहीं लगी। लेटेंसी एकदम हल्की सी रहती है, आप एकदम कैजुअल गेमिंग आराम से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक गोली की आवाज देर में सुनाई देगी, सिर्फ इतना ही सही डिफरेंस आएगा। तो हाँ, आप दोनों ईयरफोन्स में गेमिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर टू 205 प्रो ही है। इन ईयरफोन्स की अगर हम माइक क्वालिटी की बात करें, तो माइक क्वालिटी मुझे 205 प्रो की ज्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू 245 V2। मैं यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स के माइक क्वालिटी यहाँ पर आपको कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू सुना देता हूँ, तो आप खुद से जस्टिफाई कर पाएंगे किस में माइक क्वालिटी आपको ज्यादा बेटर देखने मिल जाती है। अभी आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहा है, वो सुन रहा है इसी Boat Rocker 245 V2 के थ्रू। मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसे कि हम कॉलिंग पे बोलते हैं, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा तेज। और यहाँ पर मैं आउटडोर में ये कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ताकि आपको नॉइस का भी एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाए कि नॉइस वगैरह कितना क्या ये कैच कर लेता है। अभी जो आप ऑडियो क्वालिटी सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं इसी Boat Rocker 205 Pro के थ्रू।
ये मैं एकदम नॉर्मल तरीके से बोल रहा हूँ, जैसा कि हम कॉलिंग वगैरह में बोलते हैं, और साथ में ईयरफोन्स को मैंने अपने नेक में लगाया हुआ है और फ्रीली कानों में लगा लिया है, ऐसा माइक मुंह के पास नहीं पकड़ा हुआ है, एकदम नॉर्मल तरीके से आप जैसे कॉलिंग में यूज करेंगे वैसे ही कंडीशन में से यूज कर रहा हूँ। इन ईयरफोन्स अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ के मामले में तो बोट रॉकर्स 205 प्रो एकदम क्लियर विनर है, जहां 245 V2 में सिर्फ और सिर्फ आपको 8 घंटे की बैटरी लाइफ मेंशन की गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 6-7 घंटे चलती है। वहीं पर आपको बोट रॉकर्स 205 प्रो में एकदम 30 आवर्स की बैटरी लाइफ देखने मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको SF चार्जिंग का टेक्नोलॉजी का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है, जिसका मतलब है आप 10 मिनट के चार्ज पे इसे 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं। मैंने इन ईयरफोन्स को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट चार्ज किया था और करीबन 6-7 घंटे यूज किया था, सो हाँ एक्चुअली में ये वर्क करता भी है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम इनके एक फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो दोनों ईयरफोन्स में कुछ ना कुछ तो कमी दी ही गई है। जैसे कि बोट रॉकर्स 245 V2 की बात करें तो इसमें आपको बैटरी लाइफ कम दी गई है, तो आप इसमें एक पूरी सीरीज भी एक बार चार्ज करने में नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी में उतनी क्लैरिटी समझ में नहीं आती है। वहीं अगर हम बोट रॉकर्स 205 प्रो की बात करें तो वहाँ पर उसके वोकल्स उतने क्लियर और एकदम वाइब्रेंट से समझ में नहीं आते हैं, जबकि वो 1000 रुपये में नॉर्मली मिलते हैं और इवन 1200 रुपये के भी कभी कभार हो जाते हैं, जिस वजह से वो मुझे उतने ज़्यादा बेटर नहीं लगे। लेकिन अगर आपके लिए गेमिंग एक मेन प्रायोरिटी है और अगर आपको बैटरी लाइफ ज्यादा अच्छी चाहिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन तो बोट रॉकर्स 205 प्रो ही बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, मैंने अभी रिसेंटली बोट के एक और ईयरफोन्स का रिव्यू किया था, बोट रॉकर्स 330 प्रो या फिर आप बोल सकते हैं बोट रॉकर्स 333 प्रो। ये दोनों ईयरफोन्स 1500 रुपये में अवेलेबल है, तो ये वाले ईयरफोन्स में भी साउंड क्वालिटी आपको ज्यादा अच्छी देखने मिल जाती है, गेमिंग मोड भी देखने मिल जाता है और इवन बैटरी लाइफ भी बहुत ज्यादा एकदम 60 आवर्स की देखने मिल जाती है। सो हाँ, यहाँ पर फाइनली तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एकदम चीपेस्ट प्राइस पे चाहिए है और बेस अगर आपका एक मेन प्रायोरिटी है तो बोट रॉकर्स 245 V2 आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए ईयरफोन चाहिए, ज्यादा अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए चाहिए, तो आप बोट रॉकर्स 205 प्रो ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत पैसे और लगा सकते हैं, मेरे तरफ से तो बोट रॉकर्स 333 प्रो या फिर 330 प्रो ही रिकमेंडेड है, वो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देगा जो कि बाकी ये दो ईयरफोन्स नहीं दे पाएंगे। और हाँ, उसकी लाइफ भी इन दोनों ईयरफोन्स के मुकाबले ज्यादा चलेगी, वो पूरे के पूरे मेटल बिल्ट है। आज की वीडियो में सिर्फ नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ी ज्यादा पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में।